नमस्कार, मैं केके सिन्हा, ऑथर ऑफ टू माइंड ब्लोइंग बुक्स, मोटिवेशन स्पीकर एंड लीडरशिप ट्रेनर, आप सबका फिर से स्वागत कर रहा हूं। दोस्तों, आप बहुत सारे लोगों को इम्प्रेस करना चाहते हैं, लेकिन आपके पास उतना स्किल्स नहीं है, टेक्निक नहीं है, जिसके कारण आप नहीं कर पा रहे हैं। हजारों लोग बार बार कॉमेंट कर रहे हैं, मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर रहे हैं सिर्फ इस टॉपिक पर कि सर, हम लोगों को कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं, लोगों को समझा नहीं पा रहे हैं, क्या करें, कुछ आइडिया दीजिए, कुछ टिप्स दीजिए। इसलिए यह वीडियो मैं आज आप सबके लिए ला रहा हूं। इस वीडियो को लास्ट में देखिए, यहां पर जो टिप्स जो बताया जा रहा है, इसको एकदम पूरा पॉइंट टू पॉइंट अपने जीवन में, अपने बिजनेस लाइफ में, अपने पर्सनल लाइफ में अप्लाई करिए और सक्सेस हो जाइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया करके लाइक का बटन दबाना ना भूलिएगा। मुझे सिर्फ 200 लाइक ही चाहिए इस वीडियो में, और इसको शेयर करिए पूरे अपने जितने सारे परिजनों को आप जानते हैं उन सबको शेयर करिए। और जो है मेरे जो दोनों बुक अगर अभी तक नहीं खरीदे हैं तो उसको जरूर खरीद दीजिएगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या फिर आप अमेजोन पर जाइए, नेटवर्क मार्केटिंग बुक केके सिन्हा बोल के सर्च करिए, मिल जाएगा आपको। जबरदस्त रिव्यू लोग दे रहे हैं, आप उसको खरीदिए और रिव्यू जरूर दे दीजिएगा। पॉजिटिव इंप्रेशन बनाने का जबरदस्त कुछ टिप्स देने जा रहा हूं इस वीडियो में। पहला है ड्रेस फॉर योर सक्सेस। ठीक है, क्या बोल रहा हूं, ड्रेस फॉर योर सक्सेस। आप सफलता के लिए आप क्लॉथ्स पहनिए, ड्रेस पहनिए। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, अगर आप किसी को इंप्रेस करना चाहते हैं, ठीक है, अपना इंप्रेशन जमाना चाहते हैं किसी के सामने जाकर, देखिए 95% ऑफ द बॉडी, आपके बॉडी का 95% जो हिस्सा है वो कपड़ों से ढका हुआ होता है। तो मतलब क्या है, आपका जो प्रेजेंटेशन जो है ना, वो आपके क्लॉथ पर डिपेंड करता है 95%, 5% आपके चेहरे और बातों पर। समझ में आ रहा है, पहले ही आंखों से उसको अच्छा लगना चाहिए। आप जिससे मिलने जा रहे हैं, आप प्रोस्पेक्टिंग के लिए जा रहे हैं, आप सेल्स स्किल के लिए जा रहे हैं, आप प्रपोजिंग के लिए जा रहे हैं, कुछ भी करने के लिए जा रहे हैं यार, तो आपको यह बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि आप ड्रेसिंग जो है उस पर हमेशा ध्यान में रखिए। आप कैसा ड्रेस पहन रहे हैं उस पर वो जज कर लेता है। आप कैसा शर्ट पहन रहे हैं, आप कैसा पैंट पहन रहे हैं, आप कैसा शू पहन रहे हैं। आप अगर लड़की है तो आप कैसा ब्लाउज पहन रही है, कैसा स्कर्ट पहन रही है, कैसा जींस आप पहन रहे हैं, कैसा टॉप पहन रही है, कैसा चूड़ीदार आप पहन रही है, उस पर वो जज कर लेता है। कैसा आपका हेयर स्टाइल है, कैसा आपका मेकअप है, कैसा आपका घड़ी है, कैसा आपका शू, इन सब पर वो एकदम जज कर लेता है ऑपोजिट वाला। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए प्रोस्पेक्ट जैसा पसंद करता है, जैसा चाहता है, वैसा आपको ड्रेस करना होगा। आपको अपने कंफर्ट के लिए नहीं पहनना है जब आप जा रहे हैं बाहर सेल्स की स्किल्स के लिए जा रहे हैं, प्रपोजिंग के लिए अगर जा रहे हो, कुछ भी करने के लिए जा रहे हो, तो आपको अगर किसी को इंप्रेस करना है तो आपको ना उस पर ध्यान रखना होगा कि प्रोस्पेक्ट क्या चाहता है, आपका अपोजिट में जो बैठा है उसको कैसा सेंस चाहिए, कैसा चाहिए। आप जब जाते हैं तो आप जब किसी का ड्रेस देखे, आप वहां पर 90% आप जज कर लेते हैं, 50% जज ही कर लेते कि यह कैसा आदमी हो सकता है। बहुत सारे लड़कियां मुझे फोन करती है, बहुत सारे लड़कियां मुझे मैसेज भी करती है कि सर, मैं गया था प्लान दिखाने के लिए, प्लान भी दिखाया, दिखाने के बाद आया, उसका मेरा नंबर भी उसको दिया, किसी लड़के की बात कर रहा हूं ना, तो दिया, फिर आया, आने के बाद वो फोन करके बोलता है कि आप बहुत आज खूबसूरत लग रही थी, आपको देख के मैं तो दीवाना हो गया, गई थी प्लान शो करने के लिए, वहां पर आपका जो है प्रपोजल आ गया है। समझ में आ रहा है, क्यों आया? तो मैंने पूछा क्यों आया, आपने क्या किया? मैंने तो वो बोला मैंने तो कुछ नहीं किया। तो मैंने लास्ट में उससे पूछा आपने क्या ड्रेस पहना, वो बोला था सर एक टाइट वाला एक टॉप पहना था, एक अच्छी जींस पहनी थी। तो मेन पॉइंट क्या है, देखिए यहां पर क्या है, आप किस तरीके की, आप अगर लड़की हो तो मैं बोल रहा हूं, आप किस तरीके से आप ड्रेस पहन रही है, अपोजिट में जो बैठा हुआ ना वो जज कर लेगा आपको। आप अगर हॉट ड्रेस पहन के जा रहे हैं तो वो आपको प्रपोज करने ही वाला है। आप प्रेजेंट, आप बिजनेस ओमेन है तो बिजनेस ओमेन का ड्रेस कैसा होना चाहिए? बिजनेस ओमेन का ड्रेस एक अच्छा एकदम घरेलू भी नहीं यार, मैं यूं ही बोल रहा हूं, मतलब एक देखना चाहिए कि ये बिजनेस ओमेन है, अच्छा चूड़ीदार होना चाहिए। अगर आप टॉप पहन रही हो ना तो उतना टाइट भी नहीं होना चाहिए, उतना ढीला भी नहीं होना चाहिए, एकदम मीडियम टाइप का होना चाहिए। ऊपर से आपका एक सूट होगा तो और भी ज्यादा, एक जैकेट टाइप का होगा तो और भी ज्यादा अच्छा दिखते हैं, जींस वो ठीक है। आप स्कर्ट पहन के कभी मत जाइएगा यार, आप स्कर्ट पहन पे कभी मत जाइएगा, ये प्रभु नहीं तो आपको प्रपोजल आने वाला ही है। समझ में आ रहा है, तो अगर आप लड़के हैं तो आप यूं ही ना इधर उधर का जो कपड़ा है ये है इधर, मतलब फटा हुआ है वो है, उन सबको आप पहन के मत जाइए। बालों को आप हमेशा ठीक करने की कोशिश करिएगा, कंघी करके जाइए यार, कंघी करके जाइए, ठीक है, तेल नहीं लगा पा रहे तो थोड़ा पानी से आप ऐसा करके थोड़ा सा कंघी करके जाइए, लुक्स अच्छा दिखना चाहिए आपको। आपका ना 90% आपका जो
प्रेजेंटेशन जो है ना आपके ड्रेस एंड आपके लुक पर डिपेंड करता है। मेकअप अगर करके जा रहे हैं आप, अगर लड़की है तो मेकअप एकदम अच्छा होना चाहिए, परिष्कार मेकअप होना चाहिए। यह नहीं कि आप फाउंडेशन लगा रही हैं इस तरफ और लोगों को समझ में आ रहा कि आप पाउडर लगा के ये लगा के वो लगा के, ऐसा भी नहीं है। एकदम साफ सुथरा होना चाहिए, साफ सुथरा एकदम क्लीन 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 बोल रहा हूं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। मैंने फिर बोला आप अपने कंफर्ट के हिसाब से आप ड्रेस मत पहनिए, प्रोस्पेक्ट को क्या पहन के जाने से उसको अच्छा लगेगा उसके हिसाब से आप पहनिए। इससे क्या होगा, आपका जबरदस्त इंप्रेशन, आपका पहले ही वो बोलते हैं ना फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन बोलते हैं, तो देखते ही आपको चैट करके आंखों पर लगना चाहिए, ये लगेगा तभी तो वो आगे आएगा ना, आपकी आपसे बात करने की कोशिश करेगा। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर टू, यूज द स्माइलिंग पावर। स्माइलिंग पावर का आप वो करिए, जा रहे हैं तो स्माइल करके आप घुसिए, ठीक है, स्माइल करके, मुस्कान मोस्ट इंपॉर्टेंट यार, मुस्कान से ही आप हर किसी को पिघला सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण को आपने देखा होगा, आपने जो श्री कृष्ण की जितनी भी गाथा सुनी वो सिर्फ मुस्कान से इतने सारे गोपियों को वो कर लेता था, समझ में आ रहा आप लोगों को। गुड हैंडशेक, गुड हैंडशेक, मैं क्या बोलूं, गुड हैंडशेक, अच्छा हैंडशेक होना चाहिए। हैंडशेक में आप जब हैंडशेक करते हो तो ना ही उसका आपका हाथ ऊपर करके ऐसा हैंडशेक करो, ना ही उसका हाथ ऊपर होकर आपका हाथ नीचे होकर, ऐसा नहीं, एकदम स्ट्रेट ऐसा करके आप हैंडशेक करो। पहली बात, ऐसा करके एकदम स्ट्रेट में एकदम जेंटल मैन जैसा करते ना वैसा आप हैंडशेक करो। दूसरी बात, हैंडशेक अगर आपसे उम्र में बड़ा है, लड़की है आप, लड़का हो लड़की के साथ जा रहा हो, अगर इंप्रेशन बना ना तो नमस्ते करिए यार, बहुत अच्छा इंप्रेशन बनता है। नमस्ते, नमस्ते मैडम, नमस्ते सर बोल सकते हैं, नमस्ते भैया, नमस्ते भाभी कुछ भी बोल सकते, नमस्ते करिए, बहुत जबरदस्त इंप्रेशन पड़ता है ये। बहुत मैं हजारों बार इसको ट्राई करता हूं, मैं हजारों बार जिस किसी से भी मिलता हूं मैं नमस्ते जरूर करता हूं। इससे क्या है, उनके अंदर आपका एक इमेज क्रिएट हो जाता है, बहुत अच्छा लड़का है बोलते हैं, बहुत अच्छी लड़की है बोलते हैं, ठीक है। ड्रेस के बारे में जो बोला था वो भी याद रहना चाहिए। यूज द पाम टेक्निक, पाम टेक्निक को आप इस्तेमाल करिए। जब आप बात करते हो तो पाम टेक्निक को, पाम टेक्निक में तो अपने हाथों को इस्तेमाल करिए, हाथों की टेक्निक्स को इस्तेमाल करिए। देखिए किसी से आप जब बात कर रहे हो तो आप ऐसा करके ऐसा करके ऐसा करके बात मत करिए, मतलब इससे ऐसा जब आप उसको समझाने की ऐसा बात करके हाथों को ऐसा करना, मतलब उल्टा करके जब आप ऐसा करके बात करते हो तो इसका मतलब यह समझाता है कि आप उसको डोमिनेट कर रहे हो, आप उसको अपने नीचे रख रहे हो। क्या रे सुन रहा है क्या, वो टपोरियो वाला जो होता है ना वैसा आप सोच, वो माइंड में उन लोगों का खेल जाता है यार, ये मुझे डोमिनेट कर रहा है, ये मुझे डोमिनेट कर रहा है, नीचे वो कर रहा। तो आपको ना ही ऐसा करना है, ना ही तुम ऐसा करो, ना ही ऐसा उंगली भी दिखाना नहीं है। अगर आप इंप्रेस करना चाहते हैं किसी को, उंगली भी दिखाना है, आप सबमिसिव एटीट्यूड में जाइए, आप ऐसे बात करो यार, हाँ 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 ऐसा, आप इसको यूज करते हैं लेकिन ज्यादा इसको मत यूज कीजिए, आप ऐसा करिए, हाँ हाँ बहुत अच्छा बहुत अच्छा, हाँ हाँ आप ऐसा करके हाथों को यूज करिए, बहुत 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 उसको अच्छा लगा। ये बहुत ज्यादा मायने रखना, क्या डोमिनेट नहीं करना है, ना ही ऐसा करना है, एग्रेसिव मूड में भी नहीं जाना, आपको एकदम सबमिशन मूड में जाना है, समझ में आ रहा है क्या, हाँ बहुत आपको अच्छा लगा, क्या आपको कैसा लग रहा है, आप ऐसा करिए एकदम, बॉडी लैंग्वेज को आपको ऐसा प्रेजेंट करना कि आप बहुत ओपन हैं, समझ में आ रहा है, बहुत मायने रखता है ये सब चीजें। डोंट टच लेफ्ट हैंड, जब आप हैंडशेक करते हैं ना तो लेफ्ट, बहुत सारे लोगों का क्या होता है, आदत होता है हैंडशेक कर रहे हो तो लेफ्ट हैंड से भी ऐसे ऐसे करते हैं, बहुत सारे लोग इस पर गलत मतलब निकाल लेते हैं, समझ लेते हैं कहीं ये गे तो नहीं है क्या। टच जब होता है ना किसी किसी को ऐसा फीलिंग्स आ जाता है, अरे यार क्या कर रहा है ये, बाएं हाथ से मुझे ऐसा कर रहा, समझ में आ रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूं, तो उल्टा मतलब निकाल लेते हैं, ठीक है। तो डोंट टच योर लेफ्ट हैंड, आप हैंडशेक कर रहे हैं तो सिंगल हाथ से करिए, ठीक है, अपने हाथ को ऐसा करके आप सिंगल हाथ से करिए, बहुत 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 ये भी मायने रखता है। देखिए बॉडी लैंग्वेज ना एक ऐसी चीज है, एक ऐसी मतलब भाषा है, इसमें आप बहुत कुछ आप एक्सप्रेस कर सकते हैं, आपके ऑपोजिट में जो है वो बहुत कुछ पॉजिटिव भी निकाल सकता है, निगेटिव भी निकाल सकता है। पॉजिटिव वे में आपको जाना है ताकि उसको अच्छा लगे, ठीक है, आपका इंप्रेशन जबरदस्त इंप्रेशन बने, 5 मिनट में आपका जबरदस्त इंप्रेशन बन जाएगा ये सब टेक्निक अप्लाई करने से। फिर आता है मेक ए डिस्टेंस, मेक ए डिस्टेंस का मतलब क्या है, आप किसी से जब बात कर रहे हो तो कम से कम एक दूरी आप बनाए रखे, ज्यादा क्लोज मत होना, ज्यादा क्लोज होकर आप बात मत करो, बैठे हो तो ज्यादा क्लोजली आप बात मत करो, थोड़ा सा आप बैठ रहे हो थोड़ा सा डिस्टेंस होकर, आप कुर्सी पे बैठ रहे हो तो हाथ ऐसा करके बैठो, हाथ ऐसा करके बैठो कुर्सी पे, ऐसा करके बैठो या फिर ऐसा करके आराम से बैठ सकते हो, स्ट्रेट होकर बैठ सकते हो, लेकिन थोड़ा सा डिस्टेंस आप मेंटेन करिए। इससे क्या होगा, आपकी भद्रता का पहचान होता है, यू आर ए जेंटलमैन उसकी पहचान होती है जब आप दूरी रखते हैं, तो इससे भी बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है, समझ में आ रहा है। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा जब बात करते तो एकदम ऐसा कर, हाँ नहीं करना है ऐसा, एकदम करीब नहीं होना है, थोड़ा दूरी रखें, चाहे लड़का लड़की हो, लड़का लड़का हो,
लड़की लड़की हो कुछ भी हो थोड़ा दूरी रखें, इससे क्या होगा आप एक जेंटलमैन या फिर जेंटल वुमन ये रिप्रेजेंट करता है आपका जो दूरी डिस्टेंस जो है। तो ये जो टेक्निक्स है बहुत जबरदस्त है, इसको अप्लाई करिए, इसको एकदम मैं बोलूंगा ना इसको सीखिए और फाट डालिए अपने आपको, बहुत जबरदस्त प्रेजेंट करिए, इंप्रेशन जमाइए यार लोगों से। कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, अच्छा लगा हो तो जरूर कमेंट करिए यार, लाइक करना ना भूलिएगा, 200 लाइक चाहिए मुझे इस वीडियो में, इसको सबके साथ अपने प्रियजनों को सबके साथ इसको शेयर करिए। अभी तक मेरे जो दोनों बुक्स आपने नहीं परचेस किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, जट से परचेस कर दीजिए, परचेस करने के बाद रिव्यू जरूर दे दीजिए, अगर आपने पढ़ा है परचेस करके तो जरूर रिव्यू दे दीजिए यार, अमेजोन पर काफी लोगों को मदद मिलेगी, जितने भी लोग पढ़ रहे हैं जट 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 करके रिव्यू दे रहे हैं, आप क्यों इतना दूर रह रहे हैं। ठीक है, नए हैं इस चैनल में, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, नमस्कार।